जय जय श्री राम। आज आपका करुणा निधान आप सभी का स्वागत करता है वीरों की भूमि प्रतापगढ़ में, एक ऐसा स्थान जहां भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी के साथ मिलकर महादेव का पूजन करते थे। और हाँ, एक ऐसा स्थान जब महाभारत काल के दौरान यक्ष और महाराज युधिष्ठिर का संवाद स्थल भी रहा हो, और एक ऐसा स्थान जहाँ 51 शक्ति पीठों में से एक माता बिलहा देवी विराजमान हो। इसीलिए तो कहा जाता है यह सब है प्रतापगढ़ की आन मान और शान, और इन्हीं से तो है प्रतापगढ़ की पहचान। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी को एक्सप्लोर करते हैं पूरा का पूरा प्रतापगढ़। बिलहा देवी बहुत सिद्ध पीठ मंदिर है, और ये आज नहीं काफी प्राचीन काल से भगवान रामचंद्र जी थे, तब से इसका इतिहास जाना जा रहा है। सती जहाँ जहाँ 51 सिद्ध पीठ गई थी, उनका कमर का भाग जो है ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल के नाम से जाना जाता है। वनवास के समय में पांचों पांडव इसी सरोवर में जल पीने के लिए आए थे, यहीं पर युधिष्ठिर और यक्ष का प्रश्न उत्तर हुआ था। कहानी इसमें है कि जैसे कुष्मा नाम के एक यादव था, वो वहाँ पर यही जानवर वगैरह चराने आता था, तो ये जो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है इससे टीला मतलब ऊंचे स्थान पर भीटे पर था। जय श्री राम। मैं हूँ आप सभी के साथ करुणा निधान पांडे, और आज हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में, और आज आप सभी को कराने वाले हैं प्रतापगढ़ का पूरा वर्चुअल टूर। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, और इस वीडियो को आप सभी कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम और जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं माता जी के मंदिर के साथ। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी को कराते हैं पूरा का पूरा प्रतापगढ़ का वर्चुअल टूर। प्रतापगढ़ की यात्रा की शुरुआत करेंगे 51 शक्ति पीठों में से प्रमुख माँ बिलहा देवी मंदिर के साथ, और ऐसा माना जाता है माता सती का यहाँ पर कमर का भाग गिरा हुआ था। मंदिर तक पहुँचने के लिए आप प्रतापगढ़ के मेन शहर से 3 से 4 किलोमीटर ऑटो रिक्शा, बस या फिर प्राइवेट वाहन से पहुंच सकते हो। आइए अब आपको बताते हैं मंदिर के बारे में संपूर्ण इतिहास। सई नदी के तट पर बसा हुआ माँ बिलहा देवी का मंदिर प्रतापगढ़ के लिए आन है, मान है और शान है, और हाँ इसी से तो प्रतापगढ़ की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, मंदिर का निर्माण अवध के राजा प्रताप बहादुर सिंह ने सन 1811 से 1815 के बीच करवाया था। मंदिर का इतिहास बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, तो आइए जानते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी से मंदिर का संपूर्ण इतिहास। जी यहाँ के बारे में कोई जानकारी दे माता जी के बारे में। जगत जननी जगदम्बा माँ बिलहा देवी बेलवा की रानी, पृथ्वीराज चौहान की भवानी। एक बार जब नैनागढ़ से लौट करके अलहुदल लड़ने गए थे, वहाँ से लौट के आने के बाद जो है माँ बिलहा देवी शक्तिपीठ में सती हो गई थी और गई नहीं। अच्छा। 51 सिद्धपीठ में शक्तिपीठ आती है। सती के ऊपर भी कोई कहानी इस पे जुड़ी हुई है इस मंदिर के बारे में? सती जहाँ जहाँ 51 सिद्धपीठ गई थी, कहीं यहाँ कमर गिरा था, बेला इसको कहते हैं, बेला देवी के नाम पे। हाँ। ये बेला कमर को कहते हैं। जी जी जी। हाँ, तो इनका कमर का भाग जो है यहाँ पे गिरा भाई। आप लोग क्या बात है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी। तो देखा महाराज जी ने, पुजारी जी थे जिन्होंने माता जी के बारे में जानकारी दी, और यहाँ पर आप माता जी का दिव्य दर्शन कर सकते हैं। और यहीं पर ये वो जगह है जहाँ माता सती का जो 51 शक्ति पीठ है उसमें से माता सती का जो है ना कमर का जो भाग है वो इसी जगह पर गिरा हुआ था। बिलहा देवी बहुत सिद्ध पीठ मंदिर है, और ये आज नहीं काफ़ी प्राचीन काल से भगवान रामचंद्र जी थे, तब से इसका इतिहास जाना जा रहा है। और यहाँ ये बहुत ही शक्तिशाली जिला की, जैसे जिला में कोई एक डीएम होता है, एसपी होता है, जिला का मालिक होता है, तो वैसे ये भी जिला की मालिक समझिए। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि प्रतापगढ़ रामायण महाभारत और वैदिक काल से भी संबंधित है, तो आइए अब आप सभी को लेके चलते हैं उस कालखंड की ओर जहां आप सभी को महाभारत के संपूर्ण साक्ष्य देखने को मिलेंगे। बिलहा देवी मंदिर से लगभग 19 किलोमीटर दूर विराजमान है अजगरा, एक ऐसा स्थान जहां पर यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था, और महाराज युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। तो आइए उस जगह को आप सभी को एक्सप्लोर करते हैं। रम्य सरोवर सलिल सुपावन जहां किए पांडवगढ़ आवन। तो आखिरकार प्रतापगढ़ के हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पांचों पांडवों का संवाद यक्ष से हुआ था, जिसमें पांचों पांडवों में 4 लोग तो जल पीकर मूर्छित हो गए थे, और सिर्फ
युधिष्ठिर ने अपने प्रश्नों का उत्तर दिया था। आइए मेरे साथ मैं अंदर की तरफ लेके चलूं, तो यहाँ पर आप उस सारी की सारी जानकारी, जो ये अजगरा जगह का नाम है, अजगरा जगह पर पूरी की पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप इसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके इतिहास को पूरी तरीके से वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए हम यहाँ से अब आप सभी को अंदर की तरफ लेके चलें। तो यहाँ पर जो समय वृक्ष था जहाँ पांडव लोग विश्राम किए थे, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको संक्षिप्त जानकारियाँ मिल जाएंगी। धीरे धीरे अंदर की तरफ प्रवेश करें तो एक शांत वातावरण, एक सुंदर वातावरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पक्षियों की चहचहाट हट आपको सुनने को मिलेगी, एक मंत्रमुग्ध करने वाला वातावरण देखने को मिलेगा। और एक शांत वातावरण के साथ साथ आपको यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक कुआं तालाब भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, जिसे राजा नहसू तलवा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण राजा नहसू ने किया था। इस सरोवर का जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप सामने की तरफ देखो तो नरसिंह बाबा नारायण दास जी का जो समाधि स्थल है, सिद्ध समाधि स्थल, क्योंकि नारायण दास जी यहाँ के सबसे फेमस संतों में से एक थे, उनका समाधि, दिव्य समाधि स्थल भी बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ बनाया गया है। सारे लोग यहाँ आते हैं, पूजन पाठ इत्यादि करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मैं जैसे जैसे मंदिर में प्रवेश करूँ तो यहाँ पर ये वृक्ष देखने को मिलेगा, तो देखेंगे अजगर बाबा। तो अजगरा बाबा गुप्त काल से संबंधित हैं, गुप्त काल में इस मंदिर का निर्माण कार्य किया गया था। और ये मंदिर का जो ऊपरी शिखर आप देख लो या फिर कहीं का भी देख लो, ये पूरा का पूरा एकदम अद्भुत है, दिव्य है, भले ही छोटा है, लेकिन इसी महादेव के नाम से इस पूरे जगह को आज भी अजगरा के नाम से ही जाना जाता है। पंचमुखी विश्वकर्मा जी का मंदिर है, जो सहस्त्र शताब्दी पहले इसका निर्माण किया गया था। ये भी मंदिर बहुत ही प्राचीन है, और मैं आपको दिखाऊंगा इस मंदिर के ऊपरी भाग में, अगर मैं ऊपरी भाग को दिखाऊं, ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सहस्त्रवीं शताब्दी में किया गया था, जहां आपको विश्वकर्मा भगवान का बहुत प्राचीन मूर्ति भी देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे मैं अंदर की तरफ अगर प्रवेश करूं तो यहां पर विश्वकर्मा भगवान को आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जहां पर हम भी प्रणाम करेंगे सबसे पहले, जय हो विश्वकर्मा भगवान। तो ये विश्वकर्मा भगवान यहां पर विराजमान है। और ठीक मैं अगर इधर की तरफ आपको दिखाऊं तो ये रहा वो सरोवर, जिस सरोवर में यक्ष ने, मेरे सामने अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर वो यक्ष की वो, मतलब कि ये पूरा का पूरा कुंड है, सरोवर है, जिस सरोवर में यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न का किया था, और प्रश्नों का युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था। बहुत बड़ा सरोवर है, और वर्तमान समय में थोड़ा सा इसमें पानी जल का जो स्रोत है वह कम है, लेकिन अभी भी बहुत गहरा है, बहुत प्राचीन सरोवर है, बहुत दूर तक है। तो ये सारे के सारे सरोवर हैं यहाँ पर, जो आप स्क्रीन पर देखने को मिल पा रहा होगा। महाराज जी जय सियाराम। महाराज जी, यहाँ तीर्थ स्थल के बारे में क्या मान्यताएं हैं, क्या जानकारियां हैं? ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल के नाम से जाना जाता है। वनवास के समय में पांचों पांडव इसी सरोवर में जल पीने के लिए आए थे। जी जी। यहीं पर युधिष्ठिर और यक्ष का प्रश्न उत्तर हुआ था। तो अब तक आपने यह देखा किस प्रकार से जहाँ महाभारत का प्रमाण आपको देखने को मिला, वहीं आपको अब देखने को मिलेगा रामायण का प्रमाण। तो अब आप सभी को हम लेके चल रहे हैं रामायण के इतिहास की ओर, जहां राम जी से मिलते जाते समय भरत जी महाराज ने एक रात्रि विश्राम किया था, जिसे देवघाट के नाम से जाना जाता है, और यह बेला देवी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर विराजमान है। और यहाँ की ऐसी मान्यता है, जब राम जी वनवास गए हुए थे, जो जब भरत जी मिलने के लिए गए, तो इसी जगह भरत जी ने आकर एक रात विश्राम किया था, जब राम जी से मिलने चित्रकूट जा रहे थे, और यहीं पर विश्राम करते हुए महादेव का पूजन भी करते हैं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ना, सई तिर बसई चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर सब नियाराने। जैसे जैसे श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं तो वैसे वैसे भरत जी यहां पर एक रात्रि विश्राम करते हैं। सई नदी का तट है मेरे ठीक पीछे की तरफ, और इसी सई नदी के तट पर भरत जी विश्राम करते हैं, और यहाँ भूत भावन भोलेनाथ महादेव का पूजन भी करते हैं। अगर आप प्रतापगढ़ आ रहे हो तो इस जगह को एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी ना भूलो, क्योंकि यह जगह बहुत दिव्य है, क्योंकि यहाँ पर महाराज भरत जी ने पूजन किया था, भरत जी ने महादेव का पूजन किया था। और कहते हैं ना, विश्व भरण पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो इस भरत जी महाराज की अमर गाथाओं को, अमर कृतियों को हम कैसे भूल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा शिवलिंग मैं आपको ले चल के दिखाऊं, जो बहुत विशाल है अपने आप में, इसकी अर्घा आप देखेंगे या शिवलिंग को देखेंगे, जिसे भरत जी महाराज ने पूजन किया था, बहुत दिव्य है। और इस जगह पर दर्शन करने के बाद मानो साक्षात भोलेनाथ यहाँ विराजमान हो। ठीक है, सामने आप नंदी जी देख सकते हैं, यहाँ नंदी जी विराजमान है,
और यहाँ विराजमान है अंदर की तरफ आपको भूत भावन भोलेनाथ भी देखने को मिलेंगे। नंदी जी की पूरी जो प्रतिमा की मैं बात करूँ तो पूरी तरह से ब्लैक स्टोन से निर्मित है और यहाँ अंदर में महादेव हैं और एक महादेव का अद्भुत दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और महादेव को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वही महादेव हैं जिसका साक्षात पूजन महाराज भरत जी ने किया था जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। तो ये पूरा का पूरा दृश्य है इस मंदिर के प्रांगण का, भूत भावन भोलेनाथ के मंदिर का प्रांगण का अद्भुत दृश्य है, अद्भुत है, दिव्य है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। आप भी महादेव का दर्शन करें। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं जितना बड़ा अर्घा का शिवलिंग है ना, मैं ये पहली बार ऐसा देख रहा हूँ इतना बड़ा अर्घा शिवलिंग का आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। अभी तक नहीं देखा है लेकिन बहुत दिव्य है, आनंद आ जा रहा है। और ऐसा दर्शन करने के बाद मन से यही आवाज़ आ रहा है, आत्मा त्वं गिरजापति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधे स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिणा विधि सोत्राणि सर्वांगिणो जत जत कर्म करोमि तत्त्वदखिलं संभूतवाराधनम। तो इतना दिव्य दृश्य महादेव का दर्शन करने के बाद चलिए आप सभी को लेके चलते हैं एक अन्य तीर्थ स्थल की ओर। देवघाट से लगभग 40 किलोमीटर दूर विराजमान है श्री घुईसर नाथ महादेव मंदिर, आइए आपको लेके चलते हैं। तो आखिरकार अभी आपने देखा किस प्रकार से भरत जी महाराज ने अपना एक दिन शिव जी का पूजा किया था, उसी क्रम में आपको लेके आप पहुंचे हैं उसी एक ऐसे स्थान पे जो भी महादेव से रिलेटेड ही है। यहाँ की कहानियां कुछ अद्भुत हैं, दिव्य हैं, बाबा घुईसर नाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में। घुईसर नाथ महादेव मंदिर पहुंचने के लिए आप अपने बेलहा से या फिर प्रतापगढ़ मेन सिटी से लगभग 40 किलोमीटर चलना होगा। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे श्री घुईसर नाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में। मंदिर की एक अनोखी कहानी है, मंदिर की इतिहास बहुत ही प्राचीन है। तो आइए आपको बताते हैं घुईसर नाथ महादेव का कुछ संक्षिप्त इतिहास। घुईसर नाथ महादेव को लेकर कई कहानियां सामने आती हैं लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख कहानी कुछ इस प्रकार की है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति रहता था जो एक ही स्थान पर प्रत्येक दिन 7 लाठियां मारता था। एक दिन वह लाठियां मारना भूल गया और घर पहुंचने के बाद भोजन पर बैठा, तब उसे अचानक याद आया आज तो मैंने उस जगह लाठी मारा ही नहीं। तदंतर वह उठता है, भोजन छोड़कर जाता है और 7 लाठी मारने का प्रयास करता है। जैसे ही वह 6 लाठी मारता है, 7वीं लाठी पड़ते ही भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं वरदान मांगो। भगवान शिव को वह देख कर कहता है कि मैं तो एक पागल इंसान हूँ, मुझे कोई नहीं जानता है, मुझे आप यश दीजिए जिससे हमको सभी लोग जान सकें। तब भूत भावन भोलेनाथ उसे आशीर्वाद देते हैं क्योंकि उस व्यक्ति का नाम ही घुईसर रहता है, जिससे भगवान शिव जी यहाँ पर घुईसर नाथ महादेव के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर तमाम मंदिर हैं, तमाम मंदिर में देवी देवताएं हैं जहाँ पर आप दर्शन व पूजन जा कर के कर सकते हो। मंदिर की अपनी विशेषताएँ हैं, मंदिर का वास्तुकला बहुत दिव्य है। यहाँ आने के बाद आपको एक अलग शांति का अनुभव होगा। तो इस समय हम घुईसर नाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर पंडित जी, उनसे हम बात करेंगे। पंडित जी हर हर महादेव। जय महादेव भैया। यहाँ की कहानी क्या है, क्या मान्यताएं हैं इस घुईसर नाथ महादेव की कहानी बड़ी अपने पार है लीला, बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। यहाँ प्रतिदिन 10-20-30 हज़ार डेली आदमी जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक, शादी विवाह बहुत सारे होते हैं, घंटा मनोकामना जिसकी पूर्ण होती है, घंटा निशान झंडा जिसे बोला जाता है जी, उसे बांधते हैं जी। यहाँ की कहानी दो प्रकार की है, एक घुसमा नाम की ब्राह्मणी थी जी, और एक घुईसर के नाम से आदो थे। इनकी कहानी है, नाना प्रकार की कहानी है, कई वर्षों से कई हज़ार वर्ष से बाबा की कृपा बनी है सबके ऊपर। और बाबा की सावन मलमास शिवरात्रि करीब लाखों में भीड़ होती है जी जी। शिवरात्रि को जैसे 2-2.5-3 लाख आदमी जलाभिषेक करते हैं, सावन मलमास में पूरा एक एक महीना भीड़ रहती है, जलाभिषेक होता है, रोट वगैरह पोया जाता है, रोट पूड़ियाँ और देसी घी की पूड़ी, सब्जी प्रकार के भंडारे, नाना प्रकार के भजन कीर्तन, वो कांवड़िया यात्रा, बहुत सारी चीज़ भीड़ होती हैं। बाबा की बड़ी कृपा है, आप लोग से भक्तों से निवेदन है आप लोग आइए यहाँ दर्शन करिए और बाबा की कृपा बनी रहे। कहानी स्टोरी कुछ किस प्रकार की है? कुछ कहानी इसमें है कि जैसे घुसमा नाम के एक यादव था, वो वहाँ पर यही जानवर वगैरह चराने आता था। तो ये जो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, इससे टीला मतलब ऊँचे स्थान पर भींटे पर था, तो आता यहाँ पर वही मूंछ खूनता, उसी मूंछ पर पत्थर समझ के
मूंछ खोदता, उसके बाद वो चला जाता। एक दिन सपने में आया कि मैं मूंछ खोद रहा था, उसे साफ नहीं किया पत्थर। सपने में आया कि भाई भगवान शिव हूँ, तुमने मुझे आज साफ नहीं किया, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम आओ। उसने रात में 2-2:30 बजे रात में आकर वहाँ भगवान की सेवा की, साफ सुथरा किया। गाँव वालों को बताया कि यहाँ भगवान शिव का भगवान शिव हैं, ये पत्थर नहीं है, हम लोग इनके जल अभिषेक पूजा करते करते रहे। बहुत तमाम प्रकार की कहानियाँ जी, बिल्कुल जितनी प्रकार की कहानी सुनेंगे बड़ी लंबी लंबी कहानी। बिल्कुल, तो इस प्रकार की कहानियाँ और इस प्रकार की मान्यताएं मंदिर से जोड़कर देखी आती जा रही हैं। तो चलिए अब आप सभी को हम लेके चल रहे हैं घुईसर से लगभग 35 किलोमीटर दूर मनगढ़ के लिए, जहाँ पर आपको कृपालु जी महाराज का दिव्य जन्म स्थान भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत खूबसूरत भक्ति मंदिर भी देखने को मिलेगा। अगर आप प्रतापगढ़ आ रहे हैं तो यहाँ आकर इस चीज़ का आनंद आप ले सकते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं अब मनगढ़ के लिए। तो धीरे धीरे करते हुए हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं, और आपको बता दें कि मंदिर का अपने आप में बहुत खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे संध्या का समय हो रहा है ना, इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगा, और जैसे ही यहाँ लाइट जलेगी उसके बाद और भी खूबसूरत हो जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर कुछ इस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जहाँ आपको हिरण नज़र आएगा और उसके साथ मोर नज़र आएंगे, और शंख से गिरता हुआ एक अद्भुत दृश्य जल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो राधे राधे लिखा हुआ दृश्य भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कई लोग आते हैं और इस दृश्य को देखते हैं, आनंद लेते हैं, भगवान के जीवन की कृतियाँ यहाँ लोग अपने नैनों में बसा लेना चाहते हैं। और इधर कई झांकियां आपको देखने को मिलेंगी, भगवान श्री कृष्ण जी के बाल संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं यहां पर आप देखकर आनंद ले सकते हैं। तो चलिए यहां पर जो कुछ झांकियां हैं वो आपको दिखा दें। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी की कई झांकियां आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां भगवान श्री कृष्ण बाल सखाओं के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कई झांकियां आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कितना खूबसूरत दृश्य है, मुरली बजाते हुए आपको नजर आएंगे। भक्ति भवन का इस प्रकार का दृश्य देखने के बाद मन मंत्रमुग्ध हो जा रहा है। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तक भगवान श्री कृष्ण का झांकी आपने देखा था, ऐसा नहीं कि भगवान श्री राम जी का झांकी आपको देखने को नहीं मिलेगा। भाई हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन हमारे रामलला सरकार की भी यहाँ एक दिव्य झांकी देखने को मिलेगी। आइए आइए मेरे साथ, वो तो देखकर सबसे ज्यादा उत्सव होते हैं। और यहाँ देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण नीलाम्बुजम श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाड़ौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंश सनातम। तो ये राम जी का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और इसी क्रम में यहाँ पर देख सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का वो दृश्य दिखाया गया है, जब निषाद राज भगवान का सेवा करते थे, क्योंकि भगवान वनवास के काल के दौरान निषाद राज भगवान के सबसे अच्छे मित्र थे। और भगवान श्री राम जी का 14 वर्ष के वनवास के दौरान 11 वर्ष 11 माह और 11 दिन तक निषाद राज ने भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवा किया था। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। और ठीक इसी क्रम में इधर की तरफ आए तो यहाँ पर कृष्ण जी का भी राधा जी के साथ या रुक्मिणी जी जो भी हो, यहाँ पर ये दृश्य बहुत अच्छा दिखाया गया राज दरबार का है, द्वारिकाधीश का। और इधर आपको भव्य राम दरबार भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जगत जननी जानकी मैया हैं, हमारे श्री राम लला हैं, और उसके साथ ही साथ भरत जी शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी महाराज का एक बखूबी बहुत बढ़िया राम दरबार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ इस तरफ आपको तीनों की तीनों महारानियाँ यानी कि माता के कई हों, सुमित्रा हों या कौशल्या हों, सबका दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और इधर की तरफ आप को सब ऋषि मुनि इत्यादि सब देखने को मिल पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद खूबसूरत झांकी है इस भक्ति मंदिर के प्रांगण का, भक्ति निकेतन का और कृपालु जी महाराज के मंदिर के प्रांगण का। और इसी क्रम में यहाँ पर ठीक कृपालु जी महाराज का बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर मूर्ति को है वो बनाया गया है। सारे भक्त लोग हैं और उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तक, जैसे श्यामा श्यामा गीत हो गए, राधे गोविंद गीत हो गए, और राधे गोविंद गीत की 2 पंक्तियाँ भाग 1 भाग 2 वो सब, उसके बाद प्रेम रस मदिरा, भक्ति शतक और प्रेम रस सिद्धांत, ये सारे के सारे पुस्तक आपको यहाँ पर उसका दृश्य देखने को मिलेगा। ठीक अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो अन्य कई झांकियाँ इस मंदिर के प्रांगण में देखने को मिलेगी ठीक, लेकिन यहाँ की तरफ आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये दृश्य देख लो कितना भव्य और कितना दिव्य मंदिर का अद्भुत दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मंदिर का दृश्य आप देख पा रहे होंगे जो बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से नज़र आ रहा है। और अंदर की तरफ भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान हैं राधी जी के साथ, वो भी दृश्य आप देख पा रहे होंगे।